भाई साहब लगता है सुंदरता के पुजारी हो तुम। वो कैसे? तुमने अपने ढोलक पर इतनी सुंदर स्त्रियों की फोटो जो लगा रखी है। अरे नहीं, दरअसल ये मेरी बीवी है और ये मेरी सास है, इन दोनों ने मेरा जीना आराम कर रखा है। तो इन दोनों की फोटो क्यों चिपकाई है? घर पर तो मैं इनका कुछ कर नहीं सकता, इसलिए इनकी फोटो को पीट कर मन को तसल्ली मिल जाती है। बड़ा दुख है दोस्त तेरी जिंदगी में। आते टाइम धनिया और प्याज ले आना। इस बुढ़िया ने ज्यादा परेशान कर रखा है। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो आप तुरंत दूसरी शादी कर लोगे? अबे यार, तू कैसे बात कर देती है, दिल तोड़ने वाली। सारा 3-4 महीने तो रुकना ही पड़ेगा ना। गजब मसालो दे दीजिए। गरम मसालो आओ ले। अरे मम्मी ने गजब मसालो मंगाओ, गजब देव। गरम ही तो है, देखो पहले। अरे तेजी, तुम्हें कतई मैं उल्लू समझ जाए? मे माथे पे सी लिखी है, गजब मसालो देव, गजब मसालो। आओ ठंडा लेके आइयो। ले ठंडो। अब जय देखियो, ठंडो अच्छो है। हाँ ठंडो तो है। तो पिजी जी गजब कहाँ है? गजब चाहिए मुझे। अरे गजब मसालो मंगाओ तो गजब ही तो लेके जाओ। भाई एक बात बता, ये नाई की दुकान पे हमेशा जमीन पे बाल गिरे रहते हैं और मैकेनिक की दुकान पे हमेशा तेल गिरा रहता है, ये बैंक वालों को क्या दिक्कत है? चीटिंग करता है तू। तो एक मास्टर ने बालक से पूछ लिया, रन्यू बता रहे बुढ़ापे की पहली निशानी क्या है? बालों की सफेदी। बोला गुरुजी ना। मास्टर बोला याददाश्त कम होने लगे तो? बोला ना यो भी ना है। बोला चेहरे पे झुर्रियां? बोला गुरुजी यो भी ना है। बोला डॉक्टर की पर्ची और दवाइयां? बोले गुरुजी ना। गुरुजी बोले गंजापन? बोले गुरुजी यो तो बिल्कुल भी ना है। गुरुजी ठोड़ी पे हाथ धर के बोला, तो फिर के बात है भाई, के निशानी है तू ही बता। बोला गुरुजी जब लोग आई शक करना बंद कर दे, समझ जाना आदमी बूढ़ा हो रहा है।